रंग लड़िया मना रहा है, विचार कर रहा है, रहा नहीं गया। एकदम गुस्से च आया, इन्होंने ग्रंथों में गल लिखी हुई है, एकदम धर्म इस खत्म करना है, जी इन्होंने अपनी सोच पैदा की मुकाना है। हम इतों की पता लगता है, जो तुरिया यह सोच अंदर पैदा करके महात्मा बुद्ध ने घरों तोड़ दिता, पांच भिक्षु लाए। उस बीबी ने अपने लैक्चर च गल कही कि गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने पांच प्यारे साज के कोई नवा काम नहीं किया, महात्मा बुद्ध ने भी पांच भिक्षुआ अपने अंदर का ज्ञान दिता सी। भिक्षुआ के नाल पंजा प्यारियां दी तुलना की उस बीबी ने अपने लैक्चर दे विच, ते मैं हैरान हो गया। कईयां ने वेख्या होगा वह भली बीबी ने यह नहीं पता तू भिक्षुआ का मुकाबला पंजा प्यारियां नाल किवें कर सकदी है। भलीए भिक्षु नूं तां महात्मा बुद्ध यह कहे, हुण यह धर्म कित्थों पैदा होया? बदले चों। जे उस साकिया मुनिए दी राणियां दे नाल ब्राह्मण विचार ना करदा हुंदा ते शायद बुद्ध धर्म होंद विच ना आउंदा। बुद्ध धर्म होंद विच आउण दा कारण कि ब्राह्मण की नीवी सोच ते बुद्ध धर्म होंद विच आया। कि गुरु नानक साहिब का धर्म इस करके होंद विच आया सी, भिक्षु जिहड़े सन उन्हां नूं ब्रह्म का ज्ञान दिता, उन्हां घर घर जाके प्रचारिया। ते बुद्ध की सोच यह सी, अपने भिक्षुआं नूं कहिंदा सी तुसां किरत नहीं करनी, मंग के खाणा। कि सिख धर्म मंग के खांदा है? सिख धर्म की तो यह गल आखी है, ज्ञान भी होना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत, मखटू होए के कन पड़ाए, फकर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल ना लगिए पाए, काल खाए किस हथों दे नानक रा पछाणे से। सिख धर्म की सोच खुद किरत करनी है। तो महात्मा बुद्ध अपने भिक्षु नूं कहिंदा सी मंग के खाणा है। तो आप जी नूं पता होवे थाईलैंड की पूरी कंट्री महात्मा बुद्ध उदों कर गया जो भिक्षुआ से हमला हुंदा सी, ते उन्हूं भली नूं ये नहीं पता भिक्षुआ ने अपना आप बचाने लिए हथियार चुके सन, पर सिखा ने अपना आप बचाने लिए हथियार नहीं चुके। इतने तो हिंदुस्तान दी औरतां कहिंदियां सन शही बाबा शही, रन बसरे नूं गई, मोड़ी बाबा कच्छ वाले आवे, मोड़ी बाबा डांग वाले। इतने तो सिख नूं किसी सिख की धी भैन नूं चुक के गजरी दे बाजार नहीं सी वेख्या, हिंदुस्तान दीआं धीआं भैणां नूं नलाम किया गया गजरी दे बाजार में जा जाके, सिखा ने जाके उन्हां दी पत बचाई सी। सिखा ने जाके उन्हां दा घर घाट जिहड़ा सी उन्हां दे घरों धीआं भैणां बचा के घर घर बचाईआं सन। ते गुरु प्यारो नैट तो यह चीज़ां वेखण दी लोड़ है। अज लोड़ केवल यह नहीं कि असीं अखां मीट मीट के बाणी पढ़ी जाइए, अज लोड़ है साडे नौजवान यूनीवर्सिटियां स्टडी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उन्हां नौजवानों नूं अज धर्म बारे दसण दी लोड़ है। तुसीं वड्डे वड्डे अफसर बणो, पर दुख ना कहना पैंदा। अज सारी सारी रात कीर्तन दरबार हुंदा, पाठ पूजा हुंदी, एक गल कही जांदी है सानूं की लोड़ है जी, जो कुछ मर्जी होई जावे सानू की लोड़ है जी। ये कौन कह रहा है? मेरे वर्गा व्यक्ति जिहड़ा गुरु के टुकड़ा ते पढ़ रहा है, मेरे वर्गा व्यक्ति जिहड़ा गुरु घरों खा रहा, वह गल कह दे भी सानू की है जी, क्यों नहीं सानू? साडी जिम्मेवारी बनती है। जिस बाग का माली बेईमान हो जाए वो फुल कुमला जाया करते हैं, वह प्यारे सानू गुरु ने माली बनाया है, साडी जिम्मेवारी है ताकि असीं नतड़क हो के गुरु की गल कर सकीए, गुरु की विचार दुनिया तक पहुँचा सकीए, गुरु का सिद्धांत दुनिया में फैला सकीए। ते जे कोई साडे घर चल के आवे ते गुरु साहिब दी बाणी दी बात लील सी उसका जवाब दे सकी। कांची धरती ते भाई गुरदास जी गए, कई प्रकार के ब्राह्मण सवाल किए, पर जो जवाब भाई गुरदास जी ने उत्थे दिते निरउत्तर कर दिता उतों के कांची के ब्राह्मणा, जवाब नहीं सी उन्होंने कोल। यह सिद्धांत रहा सिख धर्म का। कोई साडे दा हाँ, एक बेनती करांगा दूजे धर्म दे बुलारिया नूं कि सिख धर्म के बोलन तो पहला टेबल टाक च गल करो, बह के विचार चर्चा करो। असीं ते धन्नवाद हाँ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी इन्ना क सच इतने असं बोल सकते हैं, नहीं तो स्टेजा गवाच गई ने, सच नहीं बोलिया जा रहा, बोलिया जा रहा सच के गले च बूटा दिता जा रहा। किवें गल बनेगी कि दूजे धर्मां दे लोग साडे ते हैवी हो रहे हैं, प्रभाव पाई जा रहे हैं। गुरु बख्शिश करे प्यारियो, अज जागण की लोड़ है, सिख नूं सचेत होण की लोड़ है। साडे घरां ते बड़े प्रकार के हमले किए जा रहे हैं, तो जिहड़ी अज विचार दित्ती है ना बाबे कबीर जी ने, जगदा रहे तेरा घर लुटिया गया, तू घरों तबाह हो गया। यह गल साडे पंथ ते भी लागू है, साडे पंथ ते बड़े हमले हो रहे हैं। अज का नौजवान जदों उस बीबी का भाषण सुनेगा वह तो बेचारा चुप ही कर जाएगा। हो सकता है कि उस बीबी ने जो विचार कही वाक्य सच्चिया हो, नहीं भी विचार अनुसार अपनी सुरत उसी चुप सकी। अज के विचार दिन शब्द अंदर बाबा कबीर जी ने सानू जागण की प्रेरणा दी है कि जागते रहिए, सचेत होकर अपने घर को समझ सकी। बाबा कबीर जी कहते हैं, कहते हैं आप माना जागत रहो रे भाई। गुरमत ज्ञान श्री अकाल के प्रोफेसर हैं, ये जिन्हें भी विद्यार्थी वीर इतने आए हैं,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਚਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿਰਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ,